I've always liked people like Shehnaz. वो हंसी तो लोग हंसे, वो रोई तो लोग उसके साथ रोए, उसने प्यार किया तो लोग प्यार करने लगे. कि अगर आप चिल्लाओगे तो वो एंटरटेनमेंट कहलाएगा, अगर आप झगड़ा करोगे तो वो एंटरटेनमेंट कहलाएगा. लेकिन तेजा एंड करण भी अच्छे लगते हैं टुगेदर, दे लुक वेरी गुड टुगेदर. बहुत एंजॉय किया मैंने. मुझे हमेशा से एक इंडियन कन्वेंशनल स्मॉल टाउन मदर प्ले करने का बहुत ऐसा था कि मैं ऐसा एक रोल करूं. एंड मुझे जब इन्होंने ऑफर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्यारी सी माँ है जो एक आपने हमेशा इंडियन स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे मदर्स को देखा है. एजुकेटेड है, वेल रेड है, भोली है, लड़की के साथ हमेशा नोकझोंक रहती है जैसे माँ बेटी में हमेशा रहती है. बट बहुत ही इमोशनल, बहुत ही डेडिकेटेड टूवर्ड्स द फैमिली, एंड काफ़ी जो एक मदर में गुण होने चाहिए वो इसका कैरेक्टर है. एंड आई थिंक आई हैव प्लेड इट वेरी वेल. कितना मजा आया अश्नूर के साथ में काम करके? अश्नूर के साथ काम करके बहुत मजा आया है. वो बड़ी ही प्यारी लड़की है एंड बहुत ही स्वीट है, बहुत टैलेंटेड है. बहुत जरूरी होता है टैलेंटेड होना. टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है एंड गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हर वर्क एंड द पीपल अराउंड. सो दिस इज व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट अश्नूर. एंड मैंने तो उसको फर्स्ट डे बोला तू तो मिनी डेलनाज है, बट बिकॉज बहुत सारे ऐसे उसके ट्रेट्स थे जो बबली है, चर्पी है, जैसे मैं हूँ. सो आई थिंक वी जस्ट क्लिक्ड ऑन द फर्स्ट डे और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी गई, विच वॉज सो गुड फॉर द शो. बिकॉज एक माँ बेटी में जो प्यार भी है, नोक झोंक भी है, वो सब दिखाई दे रहा है. है ना, बिग बॉस की अगर बात करें तो कितना फॉलो कर रही हैं आप? आप कोई भी इंटरव्यू बिग बॉस के बिना या बिग बॉस के क्वेश्चन के बिना ले सकते हैं नहीं ना. विकास नाम भी नहीं मालूम, विशाल कोटियन. नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे. ओके, विशाल जी गए हैं, काफी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं आप उन्हें बाहर से, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि विशाल इज प्लेइंग हिज गेम वेरी वेल. बहुत बहुत अच्छे से अपना जो यू नो ऑडियंस को एंटरटेन करना. और हमेशा से मैं ये मानती हूँ कि यार बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ लोगों का एक परसेप्शन है कि अगर आप चिल्लाओगे तो वो एंटरटेनमेंट कहलाएगा, अगर आप झगड़ा करोगे तो वो एंटरटेनमेंट कहलाएगा. लेकिन ये सच नहीं होता है. एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़ा करो दिखने के लिए. एंटरटेनमेंट कुड बी इन मैनी मैनी अदर वेज, विच इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड. पीपल लाइक शहनाज हु वर प्योर एंटरटेनर्स, यू नो व्हाटएवर शी डिड शी वाज अ प्योर एंटरटेनिंग पर्सन. वो हंसी तो लोग हंसे, वो रोई तो लोग उसके साथ रोए, उसने प्यार किया तो लोग प्यार करने लगे, यू नो उसको. तो इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज सो रियल एंड एंटरटेनिंग, एंड दैट्स व्हाई यू नो जो एंटरटेनिंग है वो पब्लिक को पसंद आएगा. एंड आई थिंक विशाल ऑल्सो इन दैट सेंस इज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग. द वे ही इज स्टार्टेड यू नो टॉकिंग टू द ऑडियंस, हमेशा कैमरा में जाके बात करना, हमेशा थोड़ा अपना यू नो वो जो अपनी बिरबल गिरी है वो हम लोगों ने साथ में काम किया है अकबर बिरबल में. सो आई थिंक वी हैव दैट इक्वेशन एंड आई रियली होप एंड प्रे एंड विश दैट वो आगे तक जाए. एंड ऐसे फर्स्ट फोर जो होते हैं फाइनलिस्ट वो मैं देखना चाहती हूँ. विशाल के अगर उनके अलावा अगर उनसे अलग हटके अगर मैं बात करूँ तो कौन आपको सही जाती है? मुझे शमिता भी बड़ी अच्छी लगती है. मुझे तेजा एंड करण भी अच्छे लगते हैं टुगेदर, दे लुक वेरी गुड टुगेदर. सो आई थिंक मुझे सीज़न बड़ा अच्छा लग रहा है ये इस साल का. बहुत ही एंटरटेनिंग सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार सीज़न है एंड सारे लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं. इवन उमर इज़ डूइंग वेल नाउ. सो इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग सीज़न दिस ईयर.
ऑफ कोर्स आता है लोग, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारा सीजन बड़ा ही ऐसे लगता है कि हम भजन गा रहे थे खेल तो ये रहे सो हमारा सीजन ऐसा बहुत ही स्वीट एंड सोबर एंड यू नो